डॉक्टर खेम सिंह जी, गुरु गुरकारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। साध संगत जी, आप जी 10 मिनट लाऊंगा, 10 मिनट में मैं आप जी ने शोर कर दूंगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप जी दे। पहली स्लाइड आप जी देख लो, 16 फरवरी 2014 तहलका इंटरनेशनल मैगजीन लगी है हिंदुस्तान दे विच, कवर स्टोरी छापी सी पंजाब दी एक्सपायरी डेट 30 ईयर्स। मैं अश्योर कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं होएगा, पर असी ए भी फिक्र जरूर रखिए कि ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, उसके कारण की ने सिखी अगर टहनी कलर गई है, पंजाब टहनी कलर जा रहा है। असी जब जब गुरु साहब के बचना तो दूर हो ऐसा ही होया। अज तो 108 साल पहला भी सिखी टहनी कलर सी 1906 जब सूरा महापुरुष संत दत्त सिंह जी ने 14 लाख प्राणियों को उम्र छका के वापस सिखिज्म को रिवाइव किया। अज फिर वो टाइम आ रहा है। और अज तो 10 साल पहला जब मैं सेवा च आया सी गुरु साहब की बाबा जी की सेवा च, तो मेरा हमेशा सवाल होता है कि बाबा जी असीं खाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की गल क्यों करते हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। बाबा जी हसदे सन मुस्कुराते सन कि काका तैन समा दसेगा। अज मैं रियलाइजेशन हो रही है कि मेरी तुच्छ बुद्धि सी, समा वाकई दस रहा है कि अज असीं जिस दौर नूं गुजर रहे हैं वह कितना खतरनाक है। रीसेंटली इलेक्शन खत्म होने ने हिंदुस्तान के 27 मैगजीन्स नैशनल इंटरनेशनल न्यूज पेपर्स ने एक स्टोरी कवर की। वो स्टोरी सी द मैजिक फिगर ऑफ 272। मेरे वर्गे मूर्ख सोच रहे सन कि शायद 272 सीटा की गल कर रहे हैं इलेक्शन दिया, सॉरी वो गल कर रहे सन मकबूलपुरा पिंड की जो कि विधवाव का पिंड कहलाता है, सिफ्ती के घर अमृतसर 4 किलोमीटर के अंदर एक कस्बा है, 272 विधवा रहनिया ने, ऑल हस्बैंड्स लॉस्ट टू ड्रग्स। दिस इज द स्टोरी। इवन वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर किया इस, ईवन टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर किया इस स्टोरी को। साध संगत जी, रीसेंटली हुण मैं यूएसए दे विच ही जब असी 30th एनिवर्सरी मना रहे सी ब्लू स्टार दी, उस दिन ट्रिब्यून दी फ्रंट पेज उत्ते खबर छपी है पंजाब स्ट्रक मिनेस फ्रॉम स्नेक बाइट टू लिजर्ड पफ। तुसी हैरान हो जाओगे सप्पां दे डंग लगवा रहे बच्चे 8000 रुपए दे के, इन्नी नौबत आ चुकी है साडी। This is how we have fallen down. जिस तरह से आज गुरु साहिब के बचना तो दूर होने जा रहे हैं, सिर्फ कोई कारण है और कोई कारण नहीं है। Yes, the next biggest important factor is illiteracy. वो मैं हम अगे आप जी नूं दसांगा कि आज असी जिस पंजाब की गल कर रहे हैं उधर सोशल डिके दा कुछ आंकड़े आप जी नूं जिहड़े चौंका देंगे। 1970 दे विच पंजाब दा लिटरेसी रेट जरा है केरला तो उत्ते सी नंबर 1 होया करदा सी कंट्री दा। यू विल बी शॉक टुडे इन 2012 इट हैज ड्रॉप टू 21 रैंक। एक नंबर होया करदा सी लिटरेसी रैंक, टुडे इट हैज ड्रॉप टू 21 रैंक। इस तो अलावा अते बच्चे लगभग 48% बच्चा जड़ा है और ड्रॉप आउट कर जांदा 10वीं क्लास तो पहला ही, दे डोंट इवन कंप्लीट देयर एजुकेशन। डीआईएससी के डाटा के मैं आप जी जरूर इतने दस देव कि सारी फिगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या प्लानिंग कमीशन की, अगेन कोई प्राइवेट फिगर्स में आप जी कोट नहीं कर रहा वा, सारे सरकारी आंकड़े ने। प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विच पंजाब स्टिल मैनेजेस टू बी नंबर 1 इन द कंट्री, बट लर्निंग आउटकम्स पढ़ाई की जो आउटपुट है इट इज बॉटम ऑफ द टेबल। 35 स्टेट्स से यूनियन टेरेटरीज अगेन है पूरे कंट्री के, 34 नंबर रैंक है साडा, बॉटम ऑफ द थर्ड थरों दूसरे नंबर स्थान पर गया। असीं कहिंदे आ पंजाब पिंडां च वसदा है, शहरी लोगों नूं मिलदा पूरे हिंदुस्तान दे विच, लोकी कहिंदे पंजाब इज वेरी प्रॉस्परस, बहुत पैसा है पंजाब को, पर पंजाब दे पिंड बड़े प्रॉस्परस हैगे ने। दिस इज अ रियलिटी विच इज शोन बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी सर्वे दे चुनाव ने दस्या सी 2007-08 दे आंकड़े ने। 56,240 स्टूडेंट्स ने एनरोल कीता फॉर हायर कोर्सेज इन पंजाब, आउट ऑफ विच ओनली 2,085 वेयर फ्रॉम रूरल एरियाज, सिर्फ 2,085 बच्चा, पर असी कहिंदे पंजाब पिंडां दा वसदा है। असी पैसा कित्थे लाया, असी दौलत कित्थे लाई, मैं आप जी नूं दस दवां, असी लगभग 13,340 स्कूल बनाए प्राइमरी स्कूल पंजाब दे विच, बट नाल नाल असी 29,000 गुरुद्वारे बनाए। मैं नहीं कह रहा कि गुरुद्वारे नहीं बनाने चाहिए, जरूर बनाइए, मुबारक ने, पर क्या इन्ने गुरुद्वारों की लोड़ है? 12,278 पिंड ने, 29,000 गुरुद्वारा पंजाब दे विच। साध संगत जी उसका इंपैक्ट आप जी देखो,
जो इलिटरेसी का फॉल होता जा रहा है, लिटरेसी का फॉल होता जा रहा है, सर उसका इंपैक्ट देखो हमें। टिल 1990 वी वर नंबर 1 इन पर कैपिटा इनकम अक्रॉस द कंट्री, असि गिरते गिरते 12वें स्थान पे आ गए हैं 2012 के बीच। दिस इज हाउ लिटरेसी और इलिटरेसी हैज इंपैक्टेड बैडली इवन आवर इकोनॉमी टुडे। इसके अलावा आप जी हैरान हो गए, 11th 5-year plan recently close हुआ है 2012 के बीच। पंजाब इज द स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अक्रॉस द कंट्री। छत्तीसगढ़ के झारखंड वर्गे गरीब स्टेट्स भी सड़े तो फास्टर रेट ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब अभी शायद होर भी थले जावे, रैंक सारा होर भी थले जाएगा। आप जी हैरान हो जाओगे, 11th 5-year plan के बीच पंजाब इज द लार्जेस्ट बोरोअर, लार्जेस्ट बोरोअर अक्रॉस द कंट्री। 1,00,000 करोड़ रुपया से बोरो कर चुके हैं सेंटर को। हर पंजाब का बाशिंदा 34,567 रुपए का देनदार है सेंटर को विदाउट डूइंग एनीथिंग। पिछले 7 साल के अंदर 18,770 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। दिस इज व्हाट पंजाब स्टेट गवर्नमेंट सेज, आई डोंट से। पूरा वर्ल्ड कहता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमी है, इट्स अ बूमिंग इकोनॉमी। उस बूमिंग इकोनॉमी के अंदर पंजाब के अंदर -5.47% जॉब्स क्रिएशन हुई है पिछले 10 साल। This is again a sad state of affairs. How illiteracy is bringing us down. Take a survey see Department of Social Welfare for Women and Children published in 2012. हैरान हो जाओगे, जिससे सरकार मंदी के 74% नौजवान नशियां दे विच ग्रस्त हो चुके हैं। लिखित रूप दे विच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच दिता सरकार ने। उत्थे सर्वे कहती है कि 69% पेंडू घरां दे विच कोई मैट्रिकुलेट नहीं है, पर 60% पेंडू घरां दे विच घट तो घट एक नशेड़ी है। दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड। जिन्हां नशा वधदा जा रहा है वो क्यों वध रहा है? क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और छोटी उम्र तो गलत आदतें पै रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट बाबा जी इज वर्किंग स्लोली ब्रेक बाय ब्रेक 1986 तो लेकर हम तक जो बाबा जी ने काम किया है सिर्फ वही काम होगा कि पिंडा के बच्चों को किसी तरीके ना स्कूलों से लाइए, चंगी वैल्यूज दीए, चंगी विद्या दीए, चंगी एजुकेशन दीए। वी क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आई हैंग माई हेड इन शेम। असि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया, 19 करोड़ शराबी बोतल पीतियां 2008-09 के, जो कि बढ़ के 12-13 के 40 करोड़ बोतल हो गई। नो रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड, नो स्टेट, नो एरिया हैज सीन सच ग्रोथ लाइक वी पंजाबीज हैव डन। दिस इज वेयर वी हैव पुट आवर वेल्थ, दिस इज वेयर वी हैव पुट आवर मनी। शासन जी असि कहते हैं 2014 है, 21वीं सदी है, एंड वी आर इन अ मॉडर्न युग। सॉरी, 22 डिस्ट्रिक्ट्स ने पंजाब के विच 16 हजे भी एज पर प्लानिंग कमीशन कुड़ी मार के लाते हैं, 900 तो घट कुड़िया ने 1000 बच्चों पिछे। 22 डिस्ट्रिक्ट विचों अज भी 13 जड़े ने एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ने, मैं नहीं कह रहा प्लानिंग कमीशन कह रही है, और असं कह रहे हैं कि यह 21वीं सदी हैगी है। नाउ द सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स तो असं सारे डिस्कस कर लें, सोल्यूशन आप जी दस चुके हाँ। 1906 जी ने मिशन बिल्कुल क्लीयर क्रिस्टल क्लीयर तैयार कर दिता सी, विदाउट साइंस नो एरिया नो रीजन नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, बट साइंस विल ब्रिंग मास डिस्ट्रक्शन, ऐसा संता ने क्लीयर कहता सी। और उस मास डिस्ट्रक्शन का उन्होंने सोल्यूशन दिता सी, बहुत सिंपल जिहा सोल्यूशन है कि साइंस के नाल नाल बच्चों नू असी चंगे इंसान बनाइए, गुरमत विद्या देइए, गुरबाणी नाल जोड़िए, ताकि ना सिर्फ चंगे डॉक्टर बनन चंगे इंसान भी बनन, ना सिर्फ चंगे इंजीनियर बनन चंगे इंसान भी बनन। अज उस फुलवाड़ी को अगे वधाउंदे होए संत तेजा सिंह जी ने 1956 के बड़ो साहब की स्थापना की थी। संत तेजा सिंह बारे डॉक्टर साहब हुण दस चुके ने, बहुत बड़ी देन है उन्होंने कैनेडा की धरती विच, और पहले सिख होंदे सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विच पढ़ाई करन वाले, जो कि विद टर्बन एंड पूरन गुरसिख रूप दे विच पढ़ाई कीती है इन्होंने, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। और उन्हों तो बाद इस वे सेवा निभा रहे हैं बाबा इकबाल सिंह जी, ही रिटायर्ड एज डायरेक्टर एग्रीकल्चर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, डॉक्टर खेम सिंह जी पद्म भूषण अगे ने। सत्संग जी यह सफर शुरू होया 1986 के, एक क्लासरूम सिंगल कच्चे कोठे का क्लासरूम से, 5 बच्चों नाल, जो जी बच्ची आप जी के सामने हम बाबा इकबाल आप जी के दर्शन करेगी। अज फुलवाड़ी 129 स्कूल 60,000 बच्चों का है। We cover 33 districts across 5 North Indian states, mostly predominated Punjabi speaking areas, जिथे सारे schools खुले हुए हैं। कुछ दृश्य में स्कूल आने, सारे functional buildings होंगे ने, best of labs ने, best of facilities अगेन ने, despite being in rural areas। मैं जरूर दस दूँ थे
the country's largest e-classroom smart classes chain is Akal Academies. 1510 e-classrooms ne sade pinda de andar unna pinda de vich jithe shayad light vi pure time nahi aundi. 45 of our schools are working on solar energy. This is how forward looking the institution is. So was free teachers training the program. Quality teachers was a big issue for us for running schools in rural areas. Baba ji ne 6 saal pehle is nu visionary again unhone dekh liya si ki problem the solution labhna pega. 10th te 12th pass pindan di bachiyan nu lya ke 5 saal layi free teachers training kara ke wapas unhanu jobs ditte ke aur unhanu employment ditti gayi. We achieved three things with this. Number one, migration from villages to cities ruk gayi. Dusra, bachiyan di matrimonial value badh gayi. Third, the most important thing which happened was हर बच्ची ने 5 ਤੋਂ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਐਂਡ ਇਨਸਪਾਇਰ ਐਟ ਲੀਸਟ 5% ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ देयर ਲਾਈਫਸ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਥਰੂ ਹੈਲਗਾ ਟੌਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ They have collaborated with us and we are affiliated with Cambridge University to run this course in Mohali. And it is free of cost to us. They send their own teachers. Airfare apna dende ne rehna riyash apni hundi hai. Har 2 mahine de vich there are a group of teachers that come and teach our students and go back. Aaj da jo aankda hai status hai 60,000 bachche lagbhag 129 school 42 courses 2 universities jinde chuke ek university is vele badh rahi hai. ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੱਚਾ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਲੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ 18 ਲੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6450 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,278 ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕਵਰਿੰਗ 6450 ਵਿਲੇजेस ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਅਲਕਾ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2014 ਕੱਢੀ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਦੈਨ ਵੀ ਮੈਟ ਦ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੂਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸ 9th ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਫਰੰਟ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜਸਾ ਬਾਰੇ ਗੋਰੇਜ਼ ਆਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਜੌਬ ਦਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ This magazine covered the cover story going by the book Fighting Drugs with Books jehdi meri presentation hai usse upar based lagi hai they were convinced and they realized ki this is the only solution for bringing out of school children into schools and saving them from drugs aur koi rasta nahi hai sade waste sasan ji jo goal si 2020 tak 500 schools kholne da goal si is vele a goal nu baba ji ne pause kar ditta hai for the very simple reason कि उन्होंने बहुत दिल के नजदीक एक इच्छा की है एक मिशन की है एक सोच की है एक टारगेट रखे बाबा जी ने कि गुरु साहब के चौथे वचन को असि किसी भी जरिए पूरा करना है बाबा जी के वर्ड्स अगर मैं यूज करा बाबा जी कहने मैं श्वास छड़न तो पहला पहला इस यूनिवर्सिटी में वर्किंग देखना चाहता रिसेंटली वी आल्सो डिड अ स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट थ्रू केपीएमजी कि असि 500 स्कूल जो खोले हैं किस तरह खोलिए I'm just showing you this because this shows how progressive and the outlook is of the organization. Asi pinda vich kam karde hain par asi pendu approach nahi hai. We are working with the best of techniques, with the best of technology and with the best of manpower. As to 10 din pehla Hindustan de 10th de imtihan de results CBSE de declare hoye. And I wish to share the results with you. 1531 bachiyan ne is exam de vich appear kita. All 1531 passed with first division and you'll be surprised I was pleasantly shocked pinda de bache ne koi tuitions nahi ne jo tuitions ne school de school hi dinda gaya inna nu akela ghanta I spent for tuitions 64 students managed to score 100% marks in all subjects which is a great achievement in itself aur pinda de bache ne 178 bachiyan ne 90% and above marks score kite ne and this is what proves jo baba ji hamesha keh rahe the ki talent pinda vich hai unnu discover karan di lod hai kis tarah da talent hai us aap de dekh lo 95% 96% pinda de bacche is room de vich leke aunde ne which is amazing shahri bacche 300 rupaye ghanta 500 rupaye ghante li tuitions karde ne aur oh bacche
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਸਟੋਰ ਦਿਸ ਮਚ ਕੁਝ ਅਚੀਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨ ਸਿਆਟਲ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪਵਨੀਤ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਫਾਰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੂ ਵਰਕਸ ਫਾਰ ਗੂਗਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਮੈਟ ਹਿਮ ਕੈਸਾ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 18 ਬੱਚੇ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਫਾਰ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੈਸ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟਸ ਦਿਸ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਹੀ ਸਕੋਰਡ ਅ ਮੈਸਿਵ 2114 ਸੈਟ ਸੈਟ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਕਮਸ ਫਰਮ ਅ ਵਿਲੇਜ ਰਤੀਆ ਪਿੰਡ ਅਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਕੋਰਡ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 30 ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ 30 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੀਸ ਯੰਗ ਕਿਡਸ ਦੇ ਅਗੇਨ ਕਮ ਫਰੋਮ ਯੂਪੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਰੈਂਕ 67 ਐਂਡ 215 IIT ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 675,000 ਬੱਚਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 67 ਰੈਂਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਟਸ ਐਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ ਹੁਣ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਟੈਲ ਯੂ ਇੰਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਰੈਲੀਸ ਐਂਟੀ ਅਲਕੋਹਲ ਰੈਲੀਸ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 40 ਆਫ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 127 ਵਿਲੇਜਸ ਹੈਵ ਆਪਟਡ ਟੂ ਬੀ ਲਿਕਰ ਫਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਦੇ ਹੈਵ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਡੋਨਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੋ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਹੈ but 127 despite that lure have opted to be liquor free in Punjab which is a big turnaround and probably in the coming times this figure will keep on increasing this is one of the biggest achievements ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਇਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੱਸਣ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਥਰੂ ਸਮ ਸਲਾਈਡਸ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਸਲ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਸ ਬੈਡ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਅ ਲੋਨ ਆਫ 110 ਕਰੋੜ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵੈਂਟ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਿਸ ਟੂਡੇ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡ ਫਾਰਚੂਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਫਾਰਚੂਨੇਟ ਐਂਡ ਫਾਰ ਦੈਟ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ 6,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਚ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੁਮੇਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।